नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की कहानी गिद्ध की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी दादी माँ की बहुत पुरानी कहानी है। दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देने वाली है और हो सके तो इस कहानी को आप अपनी औलाद को जरूर सिखाएं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में इस कहानी को सुना जाता है उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। प्रिय दर्शक बंधु हो, हमारी दादा दादियों की जो कहानी होती हैं ये बहुत प्राचीन कहानी होती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए आप सभी दर्शक आज की इस कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शक बंधु हो, इस कहानी के बारे में और ये भी कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आती है, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए निरोग रहता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, यदि आप भी गरीब नहीं रहना चाहते, सदा निरोग रहना चाहते हैं, बीमारी से तड़पना नहीं चाहते हैं, तो दर्शक बंधु हो आज की इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शक बंधु हो, एक बार एक घने जंगल में एक गिद्ध का झुंड रहता था। प्रिय दर्शकों, सारे गिद्ध एक झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते भरते शिकार की तलाश किया करते थे। गिद्धों का झुंड एक बार उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज्यादा मछली और मेंढक खाने को थे। उस टापू पे गिद्धों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी, इसलिए सारे गिद्ध मौज और खुशी से उस टापू पर रहने लगे। प्रिय दर्शक बंधु हो, अब उन गिद्धों को ना ही रोज की शिकार की तलाश करनी पड़ती थी और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। दिन और रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। प्रिय दर्शक बंधु हो, उस गिद्धों के झुंड में एक बुड्ढा गिद्ध भी रहता था। उसको अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। उस बूढ़े गिद्ध ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहां इस टापू पे आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ गिद्ध तो कई दिनों से उड़े भी नहीं हैं। ये चीजें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती है, इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगल में वापस जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधु हो, गिद्ध की ये बात सुनकर सारे गिद्ध मिलकर उस बूढ़े गिद्ध की असी उड़ाने लगे, कहने लगे कि ये बूढ़ा हो गया है, कहने लगे कि ये गिद्ध बूढ़ा हो गया है और इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। यहां हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस हम उसी जंगल में क्यों जाएं? सभी गिद्धों ने ये कहकर जाने से मना कर दिया, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उन सभी को समझाने की कोशिश करता रहा। अंततः कोई नहीं मानता है और वो बूढ़ा गिद्ध उड़ान भरकर पुराने जंगल में वापिस चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस पुराने जंगल में रहने लगा। प्रिय दर्शक बंधु हो, ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं और काफी दिन बीतने के बाद अब एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने जंगल में रहते रहते सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत ही थोड़ा बचा है, क्यों ना मैं अपने सगे संबंधियों से मिलकर आऊं। बूढ़े गिद्ध ने यही सोचकर उड़ान भरी और उस टापू पर पहुंच गया। जब बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो भयाव दृश्य देखा। पूरे टापू पर गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और एक गिद्ध जिंदा बचा हुआ था जो भी घायल अवस्था में था। अचानक बूढ़े गिद्ध की नजर उस घायल गिद्ध पर पड़ी। उस घायल गिद्ध ने बूढ़े गिद्ध को बताया कि इस टापू पे कुछ दिन पहले चीतों का झुंड आया था,
बहुत सारे चीता आए थे। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उन चीतों का मुकाबला कर पाते। प्रिय दर्शक बंधु हो, वो घायल गिद्ध और कहता है कि चीतों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। प्रिय साथियों, ये बात सुनकर वो बूढ़ा गिद्ध दुखी होता है, दुखी हुआ और वापिस अपने जंगल की ओर उड़कर आ गया। दर्शक बंधु हो, हमारे जीवन में ऐसा भी होता है, अगर हम धीरे धीरे अपनी शक्ति को काम में लेना बंद कर देंगे तो हम आलसी और कमजोर हो जाएंगे और वास्तव में ऐसा होता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी शक्तियां काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे और हम शून्य बनकर रह जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधु हो, जब हमारी शक्तियां काम नहीं करेंगी, प्रिय दर्शक बंधु, अगर कोई भी बंदा अपने शरीर और दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देगा तो दोनों की ताकत घटने लगेगी और कोई भी उस व्यक्ति को पछाड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी किसी भी शक्ति और क्षमता को जंग नहीं लगने देना चाहिए, हमेशा उसमें सुधार करते रहना चाहिए, तभी आप जिंदगी की इस जंग को शान से जीत पाएंगे। प्रिय दर्शक बंधु, तब वो बूढ़ा गिद्ध ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें बताता है और बचे कुचे गिद्धों को अपने साथ लेकर पुराने जंगल में चले जाता है। वो गिद्ध अब सबसे पहली बात कहता है कि मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। गिद्ध कहता है कि आपको अगर कोई बुजुर्ग आदमी जीवन में कोई सलाह देता है तो उसको अवश्य मानना चाहिए। जो लोग बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्गों को पागल समझते हैं, कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी बुद्धि सटिया गई है और उस बुजुर्ग की बात को नहीं मानते हैं, उन लोगों का पतन बहुत जल्द हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्द बेमौत के शिकार हो जाते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्गों की सलाह कभी भूल कर भी ना टाले, उनकी सलाह को हमेशा मानना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु हो, अब वो गिद्ध दूसरी बात बताता है और कहता है, गिद्ध कहता है कि अग्नि, बीमारी, दुष्ट स्त्री और बिगड़ी हुई औलाद, इनका समय रहते इलाज जरूर करवाना चाहिए। यदि आप समय रहते इनका इलाज नहीं करवाते तो इनका पतन बहुत जल्द हो जाता है, परिवार का सर्वनाश हो जाता है, कुल का नामो निशान मिट जाता है, इसलिए इन चारों का इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, अब गिद्ध तीसरी बात कहता है। प्रिय साथियों, गिद्ध कहता है कि कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी मनुष्य हो, उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और सदैव अपने धर्म कर्म का पालन करते रहना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सुखमय ही होता है। आपने चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया है, लेकिन जिस कुल में आपने जन्म लिया है उसकी मान मर्यादा बनाए रखना ये आपका कर्तव्य होता है, उसकी मान प्रतिष्ठा बनाए रखना आपका ही कर्तव्य होता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, अब गिद्ध चौथी और आखिरी बात कहता है। गिद्ध कहता है, बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति वही होता है जो समय रहते मुसीबत का समाधान ढूंढ ले। यदि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है तो समय रहते उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है, उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बारिश आने से पहले बांध बना लेना चाहिए। यदि आप बांध नहीं बनाओगे तो बारिश का पानी रोक नहीं पाओगे, इसलिए समय रहती मुसीबत का इलाज बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, बूढ़ा गिद्ध ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें बताता है और इन चार बातों का बचे कुचे गिद्ध पूरी आत्मसमर्पण से इन बातों का पालन करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु हो, उसके बाद बचे कुचे गिद्धों का जीवन सुखमय ही होता है, उनका जीवन बड़ा आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। वो सदैव अपने बड़े बुजुर्गों की बात का सम्मान किया करते थे, सदैव उनकी बात को माना करते थे। प्रिय दर्शक बंधु हो,
यदि आपको भी आपके बड़े बुजुर्ग कोई सलाह देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो उसको कभी नकारना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। प्रिय साथियों, आज का वीडियो यह समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।